لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك الخير كله वना कम नद्दुल्ल अल्लामद कमा अंत अल्लु अल्लाहमद कमा अंत अल्लु या रब वसलम दा इम अबदा अला हबीबी का खैर ख़ल्किमी अम्माबाद बिरादरान इस्लाम और हमदर्दान कौम मिलत मैं आपका मेज़बान अब्दुलरहमान रवीद रवि नाजिम जामिया मज़र शादत हांसोट ज़िला भरूच गुजरात आपसे मुखातब हों सुबह गुजरात और हिंदुस्तान के माया नाज अदारा जा मजह सदत हाँ की मुख्तर तारीख़ अहवाल कोवाइफ आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ और एक ख़ुशखबरी और मुबारकबादी पेश करने की जसारत करने जा रहा हूँ बिरदरान इस्लाम ये दौर फास्ट और हरकत है प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए एक मिनट में दुनिया की तमाम ख़बरों से आगाही हासिल हो जाती है लिहाजा अपनी बात पहुँचाने के लिए जामिया भी जामिया हाँसोट मीडिया का आगाज़ करने जा रहा है ताकि हम दीन की बातों से अहकाम मसाइल से कुरान और हदीस की मालूम से कराम के असलाही और तबियती बयान से फैयाब होते रहें और दीन की रोशनी से हम अपनी रूह और ईमान को ताज़ा और मनवर करते रहें और उसकी प्यारी अच्छी और बातों से शदतमंद खुशा नसीब और नेकब बनते रहें अच्छी बात से इंसान खुश होता है और दिल में सुकून राहत इतमान महसूस करता है और बुरी बात से इंसान का दिल दुखी रंजीदा और गमगीन होता है तो क्यों न हम हजरत साहब कराम की तरह कहें या साद बिना नुमिन सातन के साद हमारे साथ थोड़ी देर मिल बैठो ताकि हम रूह की तसीन का सामान मुहैया करें और ईमान और इस्लाम के चर्चे करें तो आइए हजरत सामीन कराम हम तारीख के झड़कों से सैंतीस साल पहले हाँसोट और उसके अतराफ़ के गलियारों में झांक कर देखते हैं जब हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब बिरदर कबीर ने इस इलाके का दौरा किया था और ये पाया कि यहाँ न कोई दीनी तालीम का इदारा क़ायम है न यहाँ दीनी तालीम के हासिल करने का कोई निज़ाम है जबकि असरी तालीम में हाँसोट का तोती बोलता है यहाँ एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजरात का मिनी अलीगढ़ कहलाता था तो हजरत मुफ्ती साहब के दिलो दमाग में हाँसोट बस गया अब यहाँ उन्होंने इदारे की बुनियाद की तरतीब शुरू कर दी जाम मस्जिद के करीब ही एक किराए के मकान का इंतज़ाम हो गया और आठ जमा सन हिजरी चौदह सौ पाँच मुताबिक तीस जनवरी उन्नीस सौ पचासी ईस्वी बरोज़ बुद्ध तवक् अपने वक्त के माया बुजुर्ग हजरत कारी अन साहब फैज़ाबादी रही तदरकारी फलाहिदार तरकेसर के दस्ते मुबारक से उन्नीस तलबा और दो के साथ जामिया की बुनियाद रखी गई नुरानी कायरी की तालीम के लिए अशरफुलमदारस हरदोई के दो माहिरतः हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब और हजरत मौलाना शमुन साहब सहारनपुरी को बुलाया गया बड़ी ही कसम पुरसी की हालत में इदारे की शुरुआत हुई जामिया की तारीख़ में जहाँ बुजुर्गानदीन और उम्म की दुआएं और तवजुहत शामिल हाल रही वहीं पर वालदिन महमीन और नानाजान सफ़ी साहब रहमत आई और हाजी याकूब साहब जी भाई जिम्मेदार दावत व तबलीग हल्के पानोली जो जामिया के अवलिन तरस्तियों में से थे इन हजरात की जामिया की तरक्की में खूब दुआएं शामिल हाल रही अल्लाह ताला इन सब मरहूमिन की मफ़िरत फरमाएँ और उनकी क़बरों को नूर से मुनवर फरमाएँ आमीन उसके छः माह बाद हासोट गाँव की नेक और दिनदार खातुन महतरमा जुबेदा अपने इदारे के लिए पचास हज़ार रुपये की खती रकम इनायत फरमाई जिससे जामिया के लिए छः बीघे ज़मीन ख़रीदी गई जिसमें हज़रत मुफ्ती साहब ने कच्चे मकान बनाए और इदारे को यहाँ मुंतकिल कर दिया क़ुरान मजीद और नुरानी कायदे को बुनियाद बनाकर जो आगाज़ हुआ था वो आज भी इसी नहज़ पर जारी है और वो नहज पूरे मुल्क और बैरून मुल्क में मकबूल और महबूब है और उसे हाथों हाथ अपनाया जा रहा है ये उन्हीं बरगुजीदा हस्तियों और नेक नीयतों का समरा और बरकत है हज़रत मुफ्ती साहब मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत कारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह से रब्त और ताल्लुक था इसलिए कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह को जामिया का सरप्रस्तिया बनाया गयारत सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह नाजिम मज़ाहम सहरानपुर हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब अलैह के खलीफ़ा और मजाज थे इदारे का नाम हज़रत मुफ्ती साहब ने जामिया महर शादत हाँसोट रखा जो हज़रत बानियान मजाहम सहारानपुर थे हज़रत मौलाना मज़हर साहब नानोति रहमत ला और फ़ीर है सहारानपुर हजरत मौना सदत सहारनपुरी और हजरत मौलानादुल्ला साहब रामपुरी रहमुल्ल आय के नाम नामी इसमें ग्रामी से नेक फाली लेते हुए जामिया मजहर शादत इस इदारे का नाम रखा गया आज वही अदारा इसमें बामुसम्मा मजहर शादत बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो पौधे से लहलहाता हुआ सरसब्ज व शादाब हरा भरा बाग और चमन बना हुआ है अल्लाह ताला उसे नज़र बच से बचाए वो बराबर अपने फल मिल्लत की खिदमत में पेश कर रहा है जिसकी तफसील आगे आ रही है जामिया के सरपरस्ते सानी महुसन्ना हज़रत माना शाहबरा साहब हक्की रहमत ला हरदोई थे जो हज़रत हकम मम्म हज़रत मौना शबरी थानवी रम्ह के खलीफ़ा थे और सरपरस् सालिस मुहदस कबीर हजरत उस्ताद हजरत मौना मोहम्मद यूनुस साहब जौनपुरी रम् तेख उहदीस मज़ाहुम सहारानपुर थे जो हजरत शे जकरिया साहब रम्ही औरत मौना असदुल्ल साहब रामपुरी रमत ला के खलीफ़ा व मजाज थे इस वक्त जामिया का अड़तीसवा साल जारी है अब तक जामिया से ग्यारह सौ दोफाज कराम दो सौ सत्तर कराम फारिग हुए हैं दसवीं तक स्कूल यानी असरी तलीम का भी निज़ाम है नीज़ मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से भी तलबा कोर्स कर रहे हैं अब तक एस एस सी से तीन सौ उनहत्तर तलबा और एच एस सी से बीस तलबा फारिग हुए हैं नीज़ उर्दू डिप्लोमा से चार सौ नवासी तलबा और अरबी डिप्लोमा से तीन सौ सैंतीस तलबा और कंप्यूटर डिप्लोमा से एक सौ इक्यासी तलबा फारिग हुए हैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स से अल्हम्दुलिल्लाह अलहदुल्ला तदरीबलम का शोबा है जिससे चार हज़ार तिरपन इलमा और हुफाज ट्रेनिंग हासिल करके अपने अपने इलाकों में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस वक्त जामिया में छः सौ तलबा जेर तालीम है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जामिया में हर साल आठ सौ पचास तलबा रहते हैं चौरानवे अफराद पर मुश्तम शताफ़ है बड़ा ही आलिशान इसका कुतुब खाना जो जामिया की शान को बढ़ाता है जिसमें उनचास फ़नून पर चौंसठ हज़ार किताबें मौजूद हैं जिससे तलबा और इसदा मुस्तफ़ होते हैं पुरान मजीद का अलहद शानदार म्यूज़ियम भी है जिसमें पुराने मजीद के मख्तल साइज़ मुख्तलफ़ अंदाज तहरीर मखतूत दुनिया की बेशतर अहम जबानों में कुरान मजीद के तर्जमे नाबीना के लिए पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि में मुकम्मल कुरान मजीद मौजूद है नीज़ दूसरी नुमाइश में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अशिया के नमूने बतौर सैम्पल के पेश किए गए हैं जैसे बर्तन डोल मशकीज़ा मुद बिस्तर अमामा नाले शरीफे खुफैन फिर इसके अलावा तिब नबी में जिन अद्वियात और जड़ी बूटियों का तस्करा आया है उनके नमूने पेश किए गए हैं इसी तरीक़े से मुख्तफ़ कुर्रा के कैसेट और कैसेट्स और सीढ़ियाँ कैसेट भी मौजूद हैं जामिया की मतबूआत का एक गोशा भी है नीज़ जनाब नबी करीम अलैहि वसल्लम के ज़माने की मसाजिद की तस्वीर कौम आद और कौम सम के पहाड़ों में बनाए हुए मकानात की तस्वीर भी आवेजा की हुई है नीज़ अमदसिन के हसूल हदीस के सिलसिले में जो इसफार हुए हैं उन अस्फार को कोतबात के ज़रिए पेश किया गया है इसी तरीके से मुफ्ती गुजरात और फ़ाह गुजरात की सदी के अतबार से असमा की तरतीब के बड़े कतबात भी आवेज़ा किए गए हैं नीस पुरानी म्यूजियम में कुरान से मुतक तमाम मालूम कितबात के जरिए पेश की गई हैं नीज़ कुतुब खाने का पूरा निज़ाम रजिस्टरों में मंदरज है और पूरा निज़ाम कंप्यूटराइज़ किया गया है जामिया का कुतुब खाना अलहद लाकार और मशाइ नज़ाम से दादे तहसन हासिल कर चुका है अल्लाह मस्जिद फजीद कुतुब खाने के निज़ाम को देखने के लिए मदारस और जामियात से वफूद तशरीफ़ लाते रहते हैं अल्लाह तबारक वाली जो है इन तमाम खदमत को कबूल फरमाएँ और बानियान को अल्लाह तबारक व फर जो है उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाएँ उनकी बाल बाल मगफिरत फरमाएँ बिरादरान मिलत जामिया के आन शान जामिया के अजीम शान वसी और अरीस कुशाद मस्जिद मस्जिद आयशा इस्लामी फन तामीर का हसीन और जमील अजीम शाहकार है जो मकराना के सफ़ेद संग मरमर से तमीर शुदा है जिसमें संग मरमर में तराशिद आयात कुरानिया और गुंबदों में हरे रंग के रेडियम से तहरीर शुदा यासीन, यासिन रहमान और शुरू मुल्क मस्जिद के हसन व जमाल को दोबाला करती है वज़ू ख़ानों में जा बजा वज़ू की दुआएँ मिसवाक की फजीलत इसबागल वज़ू की अदादि वज़ू को मजीद नुरानी बना देती है मस्जिद के दरमियान में मिसरी दानों से बना हुआ झुमर मस्जिद की रौनक में इजाफा करता है मस्जिद की छत में देवदार लकड़ी का इस्तेमाल देवदार लकड़ी को इस्तेमाल किया गया है सारे गुंबद देवदार लकड़ी से बने हुए हुएमदा कारीगरी का नमूना पेश करते हैं इस वक्त देवदार लकड़ी में चूँकि दिमक लगी हुई है उसे बदल कर गुंबद का नया स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है अल्लाह ताला से दुआ है और आप हजरात भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस काम को आसानी से पाए तकमील तक पहुंचा दे और इसी तरीके से मस्जिद में चलने वाली हर लाइट में अलग अलग स्टाइल में और अलग अलग तर्ज में अल्लाह ताला का नाम तहरीर किया गया है मस्जिद का तवील और बुलंद वाला मीनारा मस्जिद के आज़मत और रफ़त को बयान करता है जो मीलों दूर मस्जिद के लिए दावत नज़ारा पेश करता है मोहतरम साम अल्हम्दुलिल्लाह, बाशिंदगा ने हाँसोट और हाँसूति बिरदारी ने जामिया का हमेशा दाम दरम कदम सुकून ताउन फ़रमाया है इब्तदाई अयाम में जब जामिया हाँसरोड गांव में किराए के मकान में छः महीने तक जारी था तो पूरे छः महीने तक हाजी अब्दुल ग़नी साहब ट्रक वाले की जानिब से तमाम तलबा और इस खाना पक्कर आता रहा इसी तरीके से गांव के हाजी नसुल्ला साहब हाजी उस्मान साहब बमन इसी तरह गनी भाई शेख जी और जहीर भाई पोस्ट मास्टर बशीर भाई कोठी वाले इन सब हजरात ने जामिया का और उसके अलावा तमाम हजरात ने जामिया का भरपूर तान किया उन उनरात का जामिया के लिए नाकबिल फरामोश ताउन हासिल रहा है अल्लाह ताला इन सब हजरा की मकफ़रत फरमाएँ जन्नतफिरदोस में आला मकाम नसीब फरमाए और उनकी क़बरों को नूर से मनवर फरमाएँ इसी तरीक़े से हज़रत माना बशीर साहब शेख इमाम जाम मस्जिद हहा सोट की भी कुरबानिया नाकबिल फरामोश हैं वो जामिया के तरस्टी भी थे इब्तदा में उन्होंने जामिया के लिए इसफार भी किए नीज़ वफात से पहले तक जामिया का ताउन फरमाते रहे अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मगफ़रत फरमाए जन्नतफिरदोस में आला मकाम नसीब फरमाए आमीन मोहतरम साम अहले हांसोट ने जामिया की तामीर और तरक्की में अपनी इशार वुरर्बानी की मिसाल कायम की है हाँसूती बिरदारी दुनिया के हर कोने और गोशे में मौजूद है गल्फ में कुवैत, दुबई ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा फिजी मिस्र अफ्रीका इंग्लैंड जर्मनी पनामा, फ्रांस और दीगर में इनका जलवा नज़र आता है माशाल्लाह दुनियावी एतबार से हंसूटी हजरा क्वालिफाइड और एजुकेटेड हैं हमारे इल्म के मुताबिक सिर्फ कानूगा फैमिली में 48 के करीब जो है डॉक्टर्स हैं इसी वजह से यहाँ के लोग सरकारी बड़े अहदों और मुनासिब पर फाइज हैं और जामिया के बड़े ही महसिन और माविन हैं हम इन सब के भी जान से ममन और मशहूर हैं और तमाम जो है अहल हाँ, हाँ सोट के हक में हर तरह की खैर आफियत के लिए दुआगों हैं आप साम से भी और तमाम मावन और तमाम महसिन से भी मद्दबाना दरख्वास है कि जामिया की तरक्की के लिए हमेशा जो है दुआ फरमाते रहें अपनी दुआओं में याद रखें ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियाँ सब बोलकर उड़ जाएगी अपनी अपनी बोलियाँ सब बोलकर उड़ जाएँगी मोहतरम साम आप से दुआओं की गुजारिश और दुआओं की दरख्वास्त है और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताली इस जामिया हाँसुद मीडिया सर्विस को तबलीग और इशात दिन और हिदायत व ईमान के फैलने का ज़रिया बनाए और हमारे इस मुल्क के अल्लाह तबारक वाली इस मुल्क के भाईचारा अमन आश्ती और चैन व सुकून का गहवारा बनाए और गंगा जमनी तहजीब को आम और ताम फरमाए अल्लाह इस मीडिया सर्विस को इसका सबब बनाए नीज़ हमारे इस मुल्क के बागो बहार चमक दमक रौनक और ख़ूबसूरती को जो है अल्लाह तबारक को ताला बाकी रखें। तामीर, कुछ ऐसी खशो-खाशाक में थी आंधियाँ चलती रही और आशियाँ बनता गया आंधियाँ चलती रही और आशियाँ बनता गया इन्हीं चंद गुजारिशात पर हम आपसे इजाज़त और रुखसत चाहते हैं आप जहाँ कहीं रहें खुश व खर्रम हाश बदशाश शा और फरहार व रहमतुल्लाहि व बरकातहू